कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 3 प्रिज्म चैप्टर से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले प्रिज्म का परिभाषा देखते हैं। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। यह प्रिज्म का परिभाषा है। तो प्रिज्म का परिभाषा बता दिए और हमारा अगला पॉइंट है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। क्या हमारी हेडिंग है? अगली हेडिंग है हमारी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। चलिए चित्र बनाते हैं। ये प्रिज्म है, इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको अपवर्तित कहते हैं, इसको निर्गत किरण कहते हैं। आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ा दिए और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ा दिए। ये जहां पे दोनों बिंदु कट रहे हैं इसको हम डेंस लेते विचलन को। इस पॉइंट पर एक अविलंब है, आई इस पर अविलंब है। इसका नाम रखे पी क्यू आर एस ए बी सी। इसको लिख दिए यन। अभिलंब और आपतित, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं निर्गत कोण, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास आर वन है, ये आर टू है, ये कोण हो जाएगा हमारे पास आपतन कोण माइनस ये आर वन, तो आई माइनस आर वन, और ये कोण हो जाएगा हमारे पास ई माइनस आर टू, ए माइनस आर टू। चलिए चतुर्भुज ए क्यू एन आर वी, चतुर्भुज ए क्यू एन आर वी, हम इसको लिख सकते हैं कोण आर ए क्यू, आर ए क्यू, या फिर सीधा लिख देंगे कोण ए, इसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। तो कोण ए लिख दिए प्लस कोण ए क्यू एन, कोण ए क्यू एन लिख दिए प्लस कोण क्यू एन आर, कोण क्यू एन आर लिख दिए प्लस कोण एन आर ए, कोण एन आर ए, एन आर ए बराबर 360। क्योंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये चतुर्भुज था कोण ए कोण सॉरी कोण चतुर्भुज ए क्यू एन आर, ये चतुर्भुज था, तो कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण एन प्लस कोण आर बराबर 360। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए कोण ए प्लस कोण Q
क्यू जो है ये अभिलंब है, अभिलंब मतलब कितना हो जाएगा 90 अंश। अब 90 अंश इसको लिखिए प्लस कोण क्यू एन आर, क्यू एन आर, क्यू एन आर प्लस एन आर ए, एन आर ए ये भी अभिलंब है, ये भी 90 अंश हो जाएगा, बराबर 360। कोण ए प्लस कोण क्यू एन आर प्लस 180 अंश बराबर 360। इसको ऐसे लिख सकते हैं दोनों को जोड़ के 180 अंश हो जाएगा। अब कोण ए प्लस कोण क्यू एन आर इक्वल टू 360 अंश माइनस 180। इसको ट्रांसफर कर दिए माइनस 180 अंश आ गया। इसको आगे लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण क्यू एन आर इक्वल टू घटाने पर 180 अंश, या इसको और लिख सकते हैं कोण ए इक्वल टू 180 अंश माइनस कोण क्यू एन आर। इसको ट्रांसफर करें तो माइनस, इसको मान लिए समीकरण नंबर एक। ये चतुर्भुज में हो गया कोण ए इक्वल टू 180 अंश माइनस क्यू एन आर। अब देखिए अब त्रिभुज इसमें चलते हैं क्यू एन आर, क्यू एन आर त्रिभुज क्यू एन आर में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। तो कोण क्यू प्लस कोण एन प्लस कोण आर बराबर 180 अंश। कोण क्यू कितना दिया आर वन, ये कोण एन और प्लस कोण ये कितना दिया आर टू बराबर 180 अंश। इसको लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू बराबर 180 अंश माइनस कोण एन, माइनस कोण एन। देखिए इसको हम लिख सकते हैं और कोण ए इक्वल टू 180 अंश माइनस के बीच में लिखते हैं कोण एन, ये भी लाइन लिख सकते हैं। तो 180 अंश माइनस कोण एन यहां, हाँ अब यहां देखिए अब आर वन प्लस आर टू बराबर 180 अंश माइनस कोण एन, ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर दो। अगर हम समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो की तुलना कर दें, समीकरण एक और दो की तुलना करने पर, समीकरण एक और दो की तुलना करने पर जब तुलना करें देख रहे राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं कोण ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू या ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। मान लीजिए समीकरण नंबर क्या है तीन। अब इसमें चलते हैं इस त्रिभुज में, तो हम जानते हैं ये जो डेल यहां पे है कि बहिष्कोण जो है दो अंतः कोणों की योग के बराबर होता है, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या दो अंतः कोणों की योग के बराबर होता है, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, आर वन आर टू के एक साथ करें तो डेल इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। अब आर वन प्लस आर टू समीकरण नंबर तीन में हमारे पास है ए, तो हम लिख सकते हैं डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर चार। समीकरण नंबर चार अब देखिए विचलन कोण जो है आपतन कोण पर निर्भर करता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं डेल इक्वल टू डेल मिनिमम, ये लिख दें और आर वन बराबर आर टू बराबर आर वन, हमें इससे समीकरण नंबर तीन से क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण नंबर तीन से प्राप्त होगा ए इक्वल टू, यदि ये लिखने के बाद तो ये प्राप्त होगा ए इक्वल टू आर वन आर टू दोनों को आर मान लीजिए तो आर प्लस आर, इसको लिख सकते हैं टू आर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा टू आर
या इसको हम घुमा के लिख सकते हैं ए अपान टू इक्वल टू आर, ए अपान टू इक्वल टू आर। ये संबंध हो गया ए और आर के बीच में। अब ए और आर के बीच में ये समीकरण नंबर तीन से मिल गया, लेकिन समीकरण नंबर अगर हम चार में देखें तो चार में हमें क्या प्राप्त होगा, डेल इक्वल टू, यहां पर देखिए डेल इक्वल टू आई प्लस बी ई के जगह पे, क्योंकि यहां पर लिख दीजिए आई इक्वल टू वी ई, आई इक्वल टू ई, आई इक्वल टू ई लिखिए, तो हमारे पास आई प्लस आई माइनस ए, डेल इक्वल टू जाएगा टू आई माइनस ए, टू आई माइनस ए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, डेल प्लस ए इक्वल टू टू आई, अब डेल प्लस ए अपान टू इक्वल टू आई, हमें आई इक्वल टू प्राप्त हो गया, डेल प्लस ए इक्वल टू डेल प्लस सॉरी डेल प्लस ए अपान टू इक्वल टू आई, आई का मान हमें यहां प्राप्त हो गया और आर का मान हमें यहां प्राप्त हो गया, आई का मान ये प्राप्त हो गया, आर का मान ये प्राप्त हो गया। अब देखिए हम जानते हैं स्नेल का नियम, स्नेल नियम से यन इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, यन इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ये यन की जगह पे म्यू भी लिख सकते हैं, तो यन म्यू से लिखे साइन आई अपान आर, आर का मान भी पता है हमें यहां पर और आई का मान भी पता है, आर और आई का मान यहां पर रख दे, तुम्हारे पास जो साइन आई का मान हमें प्राप्त है अभी डेल प्लस ए अपान टू, डेल प्लस ए अपान टू, बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा, डेल इक्वल टू डेल मिनिमम हम यहां पर लिखे हैं, तो जब डेल इक्वल टू डेल मिनिमम लिखे हैं तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं डेल मिनिमम, यहां पर डेल मिनिमम, तो हमारे पास ये भी मिनिमम होगा, ठीक है। तो आप यहां पर अगर लिखें तो डेल मिनिमम हो जाएगा एक ब्रैकेट पे और बटे साइन, और आर का मान कितना है ए अपान टू, ए अपान टू, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, म्यू इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ए अपान टू अपान साइन ए अपान टू। बच्चों यही जो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन सॉरी अपवर्तन में यन अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त होता है, ये यन अपवर्तनांक का सूत्र में इक्वल टू हो गया साइन डेल मिनिमम प्लस ए अपान टू अपान साइन ए अपान टू। हम आपको इसी सूत्र पर कुछ सवाल सॉल्व कराएंगे, बहुत भैया जो सूत्र अभी आपको हम डिराइव करके लिखा है उसी पर न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। प्रश्न दिया है हमारे पास, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इसमें दिया है क्या, प्रिज्म कोण और विचलन कोण दोनों का मान ए हो, हम यहां पे विचलन कोण को किसे लिखते हैं, विचलन दे दिया, अब किसके बराबर हो प्रिज्म को, प्रिज्म को, प्रिज्म को किसे लिखते हैं ए से लिखते हैं, कहने मतलब दे लिया बराबर क्या हो गया ए। फिर कहता प्रश्न प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, प्रिज्म के पदार्थ को हम किसे प्रदर्शित करते हैं म्यू से प्रदर्शित करते हैं म्यू से, और मेन इक्वल टू क्या होता है साइन ए प्लस डेल्टा यम अपान टू अपान साइन ए अपान टू, ये तो हमारा फार्मूला है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं मेन इक्वल टू, बड़ा देखो ना कभी तो गौड़ा लिखते हैं मेन इक्वल टू साइन, यहां पर कहा विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है तो ए प्लस ए, ए प्लस ए अपान टू अपान साइन ए अपान टू। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन टू ए अपान टू अपान साइन ए अपान टू, टू से टू कट गया, जब टू से टू कट गया हमें मिला म्यू इक्वल टू साइन ए अपान टू। कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में या गणित में हम पढ़े हैं
कि साइन एक क्या होता है, साइन एक फॉर्मूला होता है, टू कॉस ए अपॉन टू इंटू साइन ए अपॉन टू, टू कॉस ए अपॉन टू इंटू साइन ए अपॉन टू, इसी फार्मूले को हम यहां पे रख दें, हमें हो जाएगा म्यू इक्वल टू टू कॉस ए अपॉन टू इंटू साइन ए अपॉन टू अपॉन साइन ए अपॉन टू, साइन ए अपॉन टू साइन ए अपॉन टू अंश है दोनों में है, ये कट गया तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा टू कॉस ए अपॉन टू, हमें प्राप्त हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक टू कॉस ए अपॉन टू। बच्चों क्वेश्चन नंबर टू, समांतर प्रकाश पुंज किसी प्रिज्म के फलक पर आपतित होता है, यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश और प्रिज्म कोण 60 अंश हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश, डीएम इक्वल टू कितना दिया है 30 अंश, प्रिज्म कोण 60 अंश, ए इक्वल टू कितना दिया है 60 अंश, प्रिज्म कोण कौन ए के द्वारा प्रदर्शित है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक इक्वल टू पूछा, इसको सॉल्व करते हैं, म्यू इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू अपॉन साइन ए अपॉन टू, ये तुम्हारे पास सूत्र है, ए और डेल्टा एम का मान रख देते हैं तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2, इसको लिख सकते हैं साइन 90 बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2, इसको काट दिए 45 हो गया ये 30, साइन 45 अंश बटे साइन 30 अंश, साइन 45 को हम लिख सकते हैं 1 बटे कड़ी में 2 और साइन 30 को लिखते हैं 1 बटे 2, इसको हम लिख सकते हैं कैसे 1 बटे कड़ी 2 बुढ़े 2 बटे 1, इसको ऊपर गुणा कर दिए तो गया 2 बटे कड़ी में 2, दो को आप लिख सकते हैं क्या कड़ी में दो गुणे कड़ी में दो बटे कड़ी में दो, कड़ी में दो से कड़ी में दो कट गया, हमारे पास बचा क्या कड़ी में दो, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कड़ी में दो होगा। प्यारे बच्चों आपको प्रिज्म चैप्टर से हम आज डेविएशन बताए, डेविएशन के बाद कुछ न्यूमेरिकल भी बताए हैं, हम आपको कुछ न्यूमेरिकल इसके साथ भेजेंगे पीडीएफ पर, आप उसको सॉल्व करके शाम तक टीचर के व्यक्तिगत नंबर पर अवश्य भेज देंगे। धन्यवाद।